चार महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। वीडियो में आपने मेरा चेहरा देखा, मगर हमारे साथ लाखों लोग चले थे, हर स्टेट में चले, बारिश में, गर्मी में, बर्फ में, एक साथ हम सब चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी जब मैं वीडियो देख रहा था, मुझे बातें याद आ रही थी। वीडियो में आपने देखा होगा, पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला, मैंने उसके हाथ पकड़े, और सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशी, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हाथों से मैंने बात पहचानी। वैसे ही लाखों किसानों के साथ, जैसे ही हाथ पकड़ते थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। ये एक डेढ़ महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी, और जो मैं उनसे कहना चाहता था, बिना कुछ बोले वो समझ जाते थे। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में, उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। मैं उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं, मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था। मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं, घमंड था। मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात,
मेरी माइंड में यह था, पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी। दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था, और अचानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूं आपसे, सुबह उठता था सोचता था कैसे चला जाए, और फिर उसके बाद सोचता था कि भाई